नमस्कार, मैं राजीव कौशिक, एक समाज सेवी, आपको कुछ अच्छी चीजें बताना चाहता हूँ जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही आपका अहम फैसला होगा और आप जो भी करेंगे वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। जैसा कि आप सभी भाइयों बहनों को ज्ञात है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख तय हो गई है। वोटिंग 20 अप्रैल को होगी और वोटिंग की गिनती 25 अप्रैल को हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चुनाव में उम्मीदवार का स्वच्छ छवि का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए उसको योग्य होना भी उतना ही जरूरी है। जिनकी योग्यता का हम समाज में भरपूर लाभ उठा पाएंगे। उम्मीदवार में सबसे पहले तो समाजसेवी प्रवृत्ति का होना चाहिए, जो समाज के दुख दर्द को समझे, जो समाज के कमजोरियों को समझे, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी झेल रहे हैं हम, उस परेशानियों से हमें मुक्ति दिला सके। उम्मीदवार पर कोई आपराधिक केस ना हो, ना ही आपराधिक प्रवृत्ति का हो, स्वच्छ छवि का हो, खुद नशा ना करता हो और दूसरों को नशा न परोसता हो, ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। समाज के सभी वर्गों का साथ हो, चाहे वो ऊंच नीच, जात पात, ये जितनी भी भावनाएं, जितनी भी कुरीतियां हमारे समाज में है, इन चीजों से वो ऊपर उठकर सोचता हो, तभी वो हमारे समाज का निर्माण कर पाएंगे। आप हमेशा याद रखें कि दबाव में आपको वोट नहीं करनी है, ना कोई प्रलोभन में आना है। आजकल ये दौर चल गया है, राजनीति एक दूसरे ही रास्ते पर चल रही है, जहां पैसे पर परोसे जाते हैं, शराब परोसे जाते हैं, दबाव डाली जाती है, इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अब आपको एक इंसान को चुनना है, एक इंसान ही इंसानियत की राह पे जा करके समाज को एक अच्छा दिशा दे सकता है। याद रखें, न जात पे, न पात पे, न संप्रदाय पे हम मतदान करेंगे, एक इंसानियत पे, एक इंसान को हम मतदान करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम को सुने और समझे और उसका निदान ढूंढ सके। आप सबों से पुनः वह विनम्र अनुरोध करता हूं कि देश हित में मतदान करने आप जरूर जाएं और उम्मीदवार ऐसा चुने जो आपकी सेवा कर सके, आपके देश की सेवा कर सके और आपके समाज की सेवा कर सके। जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share and comment after watching this video. For more videos, do subscribe our channel. Achha Dekhi, Achha Suni.